म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है। और क्वालिटी क्या है इसमें, एलईडी है, एलसीडी है, ओलेड है ये, इसका जीपीएस है, तो जीपीएस एक्यूरेट रहता है। अनबॉक्सिंग ब्लू जोन की, जो कि भाई लेके आए एडवांस म्यूजिक सिस्टम, इसके अंदर पैसे डाले हुए हैं कि भाई ये रही अनबॉक्सिंग। तो भाई अपने ग्रुप में ऐड हो चुकी है एक i20, और ये i20 है विवेक भाई की। तो मेरे लैपटॉप ना भाई सवेरे उसको एक हाथ लगा थोड़ा तगड़े वाला, और वो ना थोड़ा सा उसकी स्क्रीन जो है टेढ़ी हो गई है, उसको रिपेयर करवाने के लिए लेके जाना है। एक महीना विवेक भाई को इस गाड़ी को चलाते हुए हो चुका है, तो आज इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो छोटे मोटे काम है हम वो कंप्लीट करवाने के बाद फिर करेंगे गाड़ी का रिव्यू। इसका एक तो FM म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या खामियां थी और कितने की गाड़ी पड़ी थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो भाई सुबह सुबह आज हम बैठे हैं कंडक्टर सीट में। सबसे पहले तो जाएंगे शायद चंडीगढ़ 20 सेक्टर, क्योंकि भाई लैपटॉप एक ऐसी मशीन है जिससे हम आपके साथ जो है अटैच रहते हैं। जितने भी हमारे ब्लॉग्स और वीडियोस आते हैं ना भाई, तो वो उसी के थ्रू एडिट होते हैं। अगर वो ही ठीक नहीं रहा तो वीडियो टाइमली नहीं आ पाएंगी, वैसे भाई टाइमली आती नहीं है, बट जो भी वीडियो आती है ना भाई उसी के थ्रू आ पाती। फिलहाल हम उसी को रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे 20 सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे जो है भाई लैपटॉप मार्केट का हब है। विवेक भाई के चेहरे में देखो भाई, इंटेंस गाड़ी ड्राइव करते हैं। इससे पहले इनके पास ऑल्टो 800 थी, बेच दी। ओ भाई, इसी वीक बेची है इन्होंने अपनी ऑल्टो 800 2008 मॉडल। चंडीगढ़ पार्किंग में आते हो ना, आज के पहले 10 रुपए लिए जाते थे, अब यहाँ पे 14 रुपए लिए जाते हैं। कहीं भी लगा दे भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये रहा एसूस का, ये तो भाई वो है शोरूम है ना भाई। जब से मैंने ये बैग लिया है ना, मैं फर्स्ट टाइम जो है अपने बैग में लैपटॉप डाला हुआ है, अदरवाइज मैंने कभी भी लैपटॉप बैग में नहीं डाला। मैं इसके जो बॉक्स आता है ना एसूस वाला, मैं उसी में डाल करके लेके जाता हूँ, क्योंकि उसमें ना इसका प्लेटफॉर्म अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा ऐसे कर्वी सा हो रखा है, और जब मैं इसको खोल रहा हूँ ना, ये देखो ये पूरा बंद नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आपको प्रॉपर पता चलेगा, ये ऐसे होगी इसकी सेफ। चलने में भी सब कुछ ठीक है, बस बंद नहीं हो रहा। थोड़ा सा ना स्क्रीन ऐसी अजीब सी लग रही है, चेक करवाते हैं यहाँ पे। अगर इसको ठीक कर पाते हैं देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं ठीक कर पाते तो फिर हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। 2-3 दुकान में गया था और वहाँ पे मैंने पूछा इसका क्या सिस्टम है, और जो इसका शोरूम है भाई वो बंद रहता है संडे वाले दिन। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी स्क्रीन बची कैसे, तो भाई फिलहाल हमारे ब्लॉग जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है वर्किंग में है। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, तो मैंने इसकी कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं ली थी। अगर मैंने इसकी इंश्योरेंस डैमेज इंश्योरेंस ले ली होती ना, तो भाई मेरा जो है अभी खर्चा नहीं आता। और इसकी स्क्रीन जो है भाई 20 से 25 हज़ार के बीच में है, तो भाई इसकी स्क्रीन भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये बोल रहे हैं कि भाई जब तक अगर आपकी स्क्रीन चल रही है ना, इसको चलाते जाओ, और जिस टाइम ये अगर साथ छोड़ देगा ना, तो इसका ये पैनल पूरा चेंज होगा, क्योंकि भाई ये लाइटिंग वाला है, इसमें लाइट जलती है, स्क्रीन पूरी चेंज होगी। तो भाई यार खर्चा मोटा खर्चा हो जाता है यार। अभी मैंने रिसेंट इसको 7 से 8 महीने हुए इसको लिए हुए लैपटॉप, तो आज हमारे लैपटॉप का काम भाई हो नहीं पाया है। अभी चलते हैं गाड़ी का काम करवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में देखते हैं हमने स्क्रीन डलवानी है, रिपेयर नहीं करवाएंगे। अगर स्क्रीन हमें अच्छे दाम में मिल जाती है तो 2-3 दुकानों में पूछेंगे, और आज इसकी स्क्रीन वगैरह डलवा देते हैं। तो भाई देखो, एक जगह तो टेंशन हो गई है कि लैपटॉप थोड़ा सा बच गया है, मतलब हमारा काम जो है होता रहेगा। अगर ये एक बार सर्विस स्टेशन में चला जाता है ना, तो भाई ये कम से कम 20 से 25 दिनों के बाद वापस आता है। ऐसा ही मेरे सोनी के लैपटॉप के साथ हुआ था, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई वीडियो एडिट करने का। अगर आप चीज़ें अपनी ढंग से नहीं रखते हो ना भाई, थोड़ी सी भी उनके साथ बदसलूक करते हो ना, तो भी आपके पास रिटर्न में ऐसा ही बदसलूकी करती हैं। भाई देखो, गाड़ी चलाने में तो बिल्कुल स्मूथ लग रही है मुझे। अभी इसकी अलाइनमेंट आउट है, गाड़ी जा रही है आपकी राइट साइड, इसको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। अलाइनमेंट टाइमली नहीं हो पाई तो भाई ये टायर खाना जो है स्टार्ट कर देगी। आज हमारी किस्मत 1:10 हुआ है, चंडीगढ़ सेक्टर 28 की मार्केट है, यहाँ पे आपको गाड़ी से रिलेटेड हर एक सामान जो है मिलता है। आज पता नहीं क्यों ये मार्केट बंद है भाई। मार्केट क्यों बंद है? लास्ट संडे। ओ यार, मुझे भी नहीं पता था कि ये लास्ट संडे जो है चंडीगढ़ की सेक्टर 28 की मार्केट बंद रहती है। अब गाड़ी मोड़ते हैं मनी माजरा वाली साइड, एज यूजुअली भाई अब हम जा रहे हैं मनी माजरा। आज तक मेरे ब्लॉग्स में देखते आए हो मनी माजरा की गलियां और वहां की दुकानें। और मनी माजरा में हमारी एंट्री हो चुकी है भाई। मनी माजरा में आप जब भी आओ ना भाई, ऐसा ही जाम मिलता है। बस एक दिन छोड़ के मंडे वाले दिन यहाँ पे ना कोई भी जाम नहीं होता, क्योंकि मंडे वाले दिन मार्केट होती है बंद। इसमें पता क्या हो रहा है, ऑक्स वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, म्यूजिक भी ऑन नहीं हो रहा है। ये ऑन ही नहीं हो रहा, कभी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बट फिर बंद हो जाता है ये। तो आप सीट पे आ जाओ
भाई का नाम सारिक है, जिनके पास हमने अपने ऑल्टो के 10 का काम करवाया था। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसका सिस्टम कितने का पड़ेगा? LED? हाँ 9 इंच लगेगी, ये आपकी 85 के आसपास पड़ेगी। नहीं हमें चाहिए वो जिसमें पूरा कंसोल बन के आता है। हाँ पूरा विद कंसोल है। चलो दिखाओ इसका। ये देखना, ये भी नहीं लग रहा, देखना पेन ड्राइव भी नहीं कनेक्ट जाता है। आपका जो म्यूजिक प्लेयर है ना ये ऑन ही नहीं हो रहा है। डिस्प्ले मोड पे आता है ना, हाँ वही नहीं आ रहा। हम स्क्रीन ही सोच रहे हैं चेंज करवाने का। और ये कौन सी कंपनी है? ये बोस्टिक है, इंपोर्टेड होते हैं। और क्वालिटी क्या है इसमें? LED है, LCD है, OLED है ये। अच्छा ये है ना इसमें 1+16GB, 2+32, 2+16 और 4+32 ज्यादा होती है, 2 से कम होती है। और 2+32 वाला? 2+32 वाले में आपकी 1.5GB रैम होती है। ये नहीं हो ना कि चलते चलते पता लगा हमें हैंग हो गया? नहीं नहीं हैंग नहीं होएगा। और इसका मेमोरी कार्ड कहाँ लगे? पेन ड्राइव के सब पोर्ट्स आपके ये होते हैं। इसका GPS है। अच्छा GPS भी इसमें? मैप चलाने के लिए, मैप के लिए। ये USB पोर्ट। तो GPS एक्यूरेट रहता है या फिर कुछ गड़बड़ रहती है? एक्यूरेट रहता है। तो भाई हमें पता क्या करना पड़ेगा फिर? तो 1 और 16 में तो काम नहीं बनेगा क्योंकि 16GB तो खुद ही खा जाएगा। ये स्मार्ट प्लेयर है आपका, ठीक है। म्यूजिक प्लेयर, FM, हाँ वीडियो प्लेयर, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, मैप चलाना हुआ तो मैप हो गया, मैप भी है। ये अनबॉक्सिंग ब्लू जोन की, जो कि भाई लेके आए हैं एडवांस म्यूजिक सिस्टम। यार भाई देखने में भी अच्छा लग रहा है, उसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है यार। बस इसमें बैजिंग लगी है, अच्छी लग रही। ये कंप्लीट आपकी ओरिजिनल में 2GB रैम, 32GB मेमोरी। इसमें रैम कंप्लीट 2GB मिलेगी आपको। ये कितने का पड़ेगा? ये 95 का पड़ेगा कंप्लीट फिटिंग के साथ। आपका कार प्ले है? अच्छा जो आप बता रहे थे ऑटो कार प्ले। ऑटो कार। और इसकी फिटिंग फिनिशिंग देखो भाई क्या प्यारी लग रही है। ये कितने का बताया? ये 11,000 कुछ का पड़ेगा। अच्छा 11,000 रुपये का है भाई। बस ये फोन जो है, चाहे आपका एंड्रॉइड फोन है या एप्पल फोन है, इसी के अंदर सरपास हो जाएगा। हमारा गाड़ी का जो है म्यूजिक सिस्टम पूरा खुलने वाला है। तो इसमें क्या रहेगा ना भाई, ये वाली फ्रेम जो है अभी आने वाली है, इस फ्रेम के अंदर ये स्पेयर हो जाएगी और जो दूसरी फ्रेम आएगी वो इस पे फिट हो जाएगी। उसमें साउंड वगैरह तो नहीं आता कुछ भाई? नहीं पक्का ऊपर बैठेगी, लॉक टू लॉक बैठेगी, वो सही है। थोड़ा सा भी अगर साउंड आता ना फिर वो चलाते टाइम ना मजा किरकिरा हो जाता है। तो भाई देखो कितना बड़ा रहता था ना ये म्यूजिक सिस्टम पहले, जैसे CD प्लेयर होता था। i20 2013 मॉडल का AC कंट्रोल का स्क्रीन देखने में कुछ भाई ऐसी लगती है, जो कि बहुत प्यारा सा फील देती है भाई। ये इसका फ्रंट डिफॉगर है और ये रियर डिफॉगर है इसका। देखो भाई हर एक चीज़ ना अलग अलग दी थी कंपनी वालों ने, और ये कंसोल अलग इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना जो फ्रेम है वो अलग से आएगी और यहाँ पे स्क्रीन लग जाएगी कि AC के वेंट्स, जो कि भाई हवा का सर्कुलेशन इधर उधर भगाते रहते हैं। तो भाई पूरा देखो कितनी प्यारी सी फिटिंग की होती है इस पे। इस पे CD डलती थी, बट अभी CD तो डलती है बट ये चल नहीं रहा आजकल, तो इसको हम चेंज करवा रहे हैं और इस पे अपडेट करवा रहे हैं हम। बोस्टिक या कौन सा ले रहे हैं हम अभी? ब्लू जोन का म्यूजिक सिस्टम है जिसकी 2 साल की गारंटी है, जो कि भाई बता रहे हैं अभी। ये रहती है भाई खुलने के बाद पूरे ऐसे एक एक पार्ट जो है इसका खुल जाता है। और ये रहा आपका भाई अलग से फ्रेम। तो ये फ्रेम जो है अभी ओरिजिनल दूसरी वाली आने वाली है, जो कि भाई कपलर टू कपलर फिट होती है। कुछ नया एक्सपीरियंस है भाई हमारे साथ। और ये देखो भाई इसके क्लिप्स सारे खुल रहे हैं, ये क्लिप्स जा करके उसमें फिट होंगे जो हमारी दूसरे वाली सेम फ्रेम आएगी। उसमें क्या रहता है ना भाई, ये वाली चीज़ें जो है उसमें काट दी जाती है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ ना ये वाला पोर्शन, ये उसमें नहीं होगा। खत्म होकर यहाँ पर LED का पोर्शन आएगा। फिलहाल हमारे पास आ चुकी है नई फ्रेम भाई। ये फ्रेम देखने में कुछ इस टाइप की लगती है, ये देखो भाई प्यारी सी लग रही है ना। तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पूरी फ्रेम बनी बनाई आ चुकी है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे और थोड़ी सी गाड़ी खिल के हमारे सामने आ जाएगी। वो पहले वाली थोड़ी सी डर लग रही थी। i20 का म्यूजिक सिस्टम कितना बड़ा था भाई, ये इसके अंदर पैसे डाले हुए हैं, ये शॉर्ट हुआ होगा आपका। ये वाली चलता होता ना तो अभी मैंने चेंज नहीं करा। तो भाई ये तो मुझे लगता है जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएगा, किसी काम का नहीं है। अब ये हो चुका है कबाड़। और देखो भाई यहाँ से ना शॉर्ट हो रखा है, पूरा काला काला हो गया था। और ये देखो भाई यहाँ से पता क्या होगा, बच्चों ने यहाँ से डाले होंगे कॉइन भाई पक्का, यहाँ से अंदर, और वो शॉर्ट हो गया अंदर, चट चट और गया। जिन भी लोगों को डाउट रहता है कि भाई जो हमारी नई फ्रेम लगने वाली है और उस फ्रेम में कोई गड़बड़ रहती है, तो भाई आपको ये देख लो अभी पूरी एज इट एज फिटिंग इसमें आने वाली है। ये जितने भी ये लॉक लगे हो ना भाई पूरे पूरे ही फिट आ रहे हैं। तो पूरा फिट होने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह लगता है ये। तो भाई अभी गाड़ी से उतर करके हम आ चुके हैं भाई की दुकान में, और अभी यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से भाई जो है फिट कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी में जो है रखने के लिए कोई चीज़ वहाँ पे थी नहीं। तो अभी यहाँ पे टेबल रखा है, टेबल के ऊपर अपना ये जो फ्रेम है इसको रख करके, ये जो पूरे इतने कंसोल है ना, यहाँ पे जितने भी आपको नट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे नट्स जो हैं इसमें लगेंगे।
ये देखो भाई पूरी पूरी फिटिंग है, प्रॉपर तरीके से ये फिट हो चुका है। ये जो इसके एसी वेंट्स थे ये प्रॉपर लग चुके हैं, और ये वाला यहाँ से एसी कंट्रोल होता है, और ये हैजार्ड लाइट्स थी। तो पूरा फिट होने के बाद कुछ लुक ऐसा सा आता है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको यहाँ से गैप दिख पा रहा होगा ना, तो भाई थोड़ा सा ना यहाँ से कुछ पंगा रह जाता है, बट ये गाड़ी में लगने के बाद तो भाई यहाँ पे ध्यान जाएगा नहीं, ध्यान जाएगा भाई पूरा हमारी स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन हो रही है अभी यहाँ पे रेडी होने जा रही है फिट, इसमें स्क्रीन और जीपीएस भी इसी के अंदर। भाई जीपीएस इस टाइम अगर कहीं भी आप घूमने जाते हो ना तो जीपीएस बहुत जरूरी रहता है। तो अनबॉक्सिंग भी हम साथ के साथ ही आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलता है जीपीएस इक्विपमेंट, ये रहा भाई वायरिंग ही वायरिंग। ये जीपीएस है ना, ये ऊपर टॉप पे लगाना छत पे या कहीं? नहीं अंदर लगाना है, अंदर ही लगता है, सिग्नल आ जाएंगे प्रॉपर। भाई आपको एक लुक दिखा देता हूँ छोटी सी, ये देखो भाई क्या जबरदस्त फील आ रहा है यार। चलो भाई अभी ऑन होने के बाद दिखाएंगे आपको। और जीपीएस की जो वायरिंग है ना वो यहाँ पे फिट होगी, यहाँ पे लगेगा आपका जीपीएस का, ये रहता है भाई देखा 3M की टेप भी आती है ताकि आपकी जो गाड़ी में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए, हिले ना इधर उधर। और ये जो वायर है ना ये पूरा जैसे आपके डिस्क के पीछे लगा होता है ना जो LNB होता है, तो सेम वैसा सा है, और यहाँ पे पूरी तरह से फिट हो जाता है भाई। भाई अभी जा रहा लगने के लिए हमारी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे क्या है ना भाई गाड़ी पार्क करने की बहुत दिक्कत है, तो हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे लगा रखी है। भाई गाड़ी के अंदर ना बहुत ही गर्मी हो रखी है, शीशे ओपन कर दिए क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो मौसम थोड़ा ठंडा है। गाड़ी को कर देते फिलहाल बंद क्योंकि इसमें अभी वायरिंग जो है पहले शॉर्ट हो रखी थी, यानी कि म्यूजिक सिस्टम शॉर्ट हो रखा था। तो भाई जो मीटर लेने के लिए गए हैं इसको चेक करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ अगर फॉल्ट होगा तो उसको भी हाथों हाथ ही ठीक कर देंगे। क्या प्यारा लग रहा है ना, ये जो इसके साइड जो फ्रेम लगाई है ना यहाँ ये उतार देंगे, स्क्रीन गार्ड लगा देंगे इस पे, इनमें तो कुछ नहीं होगा, सिस्टम शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से ना बैक करंट जम जाता है, फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं। ये सारे कपलर जो है ओके हैं, बस हमारे सिस्टम की स्क्रीन यहाँ पे रखी जाएगी और बूम कि ऐसे कपलर टू कपलर जो है इसमें वायरिंग लगती है। तो ये वाले जो भाई के हाथ में है ना तारे, ये वायरिंग जो है इस सिस्टम के साथ ही मिली थी हमें, और वो इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि क्या है ना ये वाली वायरिंग छोटी है तो इसके लिए थोड़ी सी लंबी चाहिए। आई थिंक वही रोल है ना, वही रोल है, और दूसरा कनेक्टर अलग अलग होते हैं ना सबके, ऑन है। ओ भाई प्यारा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि हमने पूरा यहाँ पे मोबाइल रख दिया हो। RPM वगैरह भी आएगा इस पे, RPM मीन्स जो RPM एक्सीलेटर करते हैं हम, एक्सीलेटर शायद आना चाहिए। ठीक है, अरे तो देखते हैं भाई क्या क्या फीचर है इसमें फिर। तो भाई इसमें हम आपको फीचर भी बताते हैं, पहले इसको फिटिंग होने देते हैं उसके बाद आपको फीचर्स के बारे में बताते हैं कि क्या है। एक तरीके से इस गाड़ी में ये आई है कि भाई इसके ना ये वाला लेफ्ट वाला जो स्पीकर है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो पीछे वाला स्पीकर है ना वो बिल्कुल बेकार है, और इस वाला जो स्पीकर है ना भाई वो बहुत फटफट का साउंड दे रहा है, जो कि भाई ने साफ़ करने के बाद जो है इसको लगा रहे हैं अंदर। तो GPS जो है भाई आपकी हेल्प करेगा मैप्स के थ्रू, अगर आप कहीं भी जाते हो तो GPS ये हेल्पफुल रहता है। तो आपको मैंने इसकी वायरिंग पहले दिखाई दी थी कि कहाँ पे लगती है, वो भाई लगा चुके हैं आगे से ना भाई। बिल्कुल धूप पड़ रही है तो आपको स्क्रीन में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। गाड़ी का काम प्रॉपर होने के बाद आपको पूरा इसका एक रिव्यू देंगे हम, और इसको अभी अपडेट भी करना है हमने घर जा करके। तो भाई सिस्टम हमारा लग चुका है, अभी आपको इसकी क्लियरिटी दिखाते हैं, बट सामने से धूप पड़ रही है तो हम प्रॉपर दिखा नहीं पाएंगे कि भाई ये रही अनबॉक्सिंग। तो लेमिनेशन उतारने के बाद भाई क्या फील दे रहा है म्यूजिक सिस्टम, अब मजा आएगा भाई। गाड़ी चलाते टाइम देखनी नहीं है वीडियो, ठीक है ना भाई, लग चुका है। ये सिर्फ फैमिली के लिए है, हाँ, या फ्रेंड्स के लिए? फ्रेंड्स के लिए, आपने सिर्फ आगे देखना है और गाड़ी चलानी है, यहाँ नहीं देखना भाई, यहाँ देखोगे यहाँ देखोगे तो काम खराब हो सकता है। ब्लूटूथ के साथ इसमें गाने सुन रहे थे, बट इसमें मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ स्पॉटिफाई, तो इसी में डाउनलोड करके इसी में गाने चलाएंगे। तो देखते हैं भाई जो इसकी क्लियरिटी है वो कितनी सही है। अभी मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, 25 MB का स्पॉटिफाई है, 4% अभी तक हो पाया है, देखते हैं कितना टाइम लेता है इसको इंस्टॉल होने में। जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं भाई वो सारी मैं अपडेट करने वाला हूँ अभी। तो अभी हम अपना चैनल इस पे देखते हैं कि भाई कैसा फील देता है। ये जो हमने म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है अभी, स्क्रीन लगाई है, तो भाई मैं ये रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप भी सेम अपने सिस्टम में लगाओ, अपनी गाड़ी में लगाओ। हाँ अभी हम फिलहाल इसका यूज़ करेंगे, अच्छे से देखेंगे और एंड में आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे भाई कि ये कैसी लगती है, इसका रिव्यू करेंगे बाद में। फिलहाल हमने इसको लगा तो लिया है भाई, अच्छी तरह से चलती भी है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो अभी रिकमेंडेशन इसका कुछ नहीं है भाई। ना मैं बोल रहा हूँ कि आप भी सेम लगवाओ, आप इसको देखो इंजॉय करो और बाद में इसका मैं रिव्यू करूँगा। यहाँ से गाड़ी निकालना ना सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आज संडे का दिन है, और संडे के दिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ना भाई गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लोग दूर दूर से अपने गाड़ियों काम करवाने के लिए आते हैं। और फिलहाल हमारा एंड्रॉयड यहाँ पे चल चुका है, हमने यहाँ पे इसमें हॉटस्पॉट ऑन किया था क्या?
ये नई फ्रेम के साथ भाई गाड़ी की लुक बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्पीड भी आ रही है। देखो आप देख पा रहे होंगे अभी 26-27, जैसे मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ ना तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। अभी हमारी गाड़ी जो है 40 की स्पीड में जा रही है, तो आप ये देखो यहाँ पे 40 और यहाँ पे जो ओरिजिनल मीटर है वहाँ पे भी 40 ही सो हो रही है। ये एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट अभी तक बता रहा है। तो इसका टच वगैरह यानी कि स्मूथ है भाई, कोई ऐसा जर्क अभी आ नहीं रहा है इसमें, हर एक चीज़ इसकी बहुत सॉफ्ट चल रही है। बाकी है कि इसको यूज़ करने के बाद ही मैं प्रॉपर बता पाऊँगा इसको कि क्या इसका रिस्पॉन्स है। और ये लिया है हमने 2 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी अपनी इंटरनल मेमोरी है। प्लस इसमें मैंने अभी स्पॉटीफाई इंस्टॉल करके रखा है और स्पॉटीफाई का इसका साउंड जो है भाई अच्छी क्लियरिटी है, बिल्कुल सुपीरियर जो आ रहा है। स्टॉक म्यूजिक सिस्टम जो होता है गाड़ी के साथ लगा हुआ, वैसी इसकी क्लियरिटी आ रही है। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये हमें पड़ा है अभी फिलहाल 9,500 रुपये का, 9,500 रुपीज़ इसकी हमें कॉस्ट आई है विद फ्रेम, साथ में फ्रेम भी इसके साथ ही इंक्लूड था। इसकी 1 साल की भाई वारंटी है, इस बीच इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चेंज हो पाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है भाई इनकी दुकान में जाकर के हम इसको रख देंगे अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ तो, बट भैया ने सिक्योरिटी दी है कि भाई इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें एक यूज़ ये भी होता है भाई, अगर इसमें 2 GB आपकी रैम है तो वो 2 GB यूज़ नहीं होती, वो बोलता कि 1 point something रह जाती है वो रैम, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी एप्लीकेशन रहती हैं भाई उसमें वो प्रॉब्लम करने लगता है। अभी मैंने यहाँ पे एक मैप की सेटिंग करी थी, लोकेशन लगाई हुई थी, तो मैप का देखते भाई कितना एक्यूरेसी है इसकी। मैप जो है चलते टाइम इसका कोई जर्क तो नहीं देता, तो वो भी हम फील अभी चेक कर लेंगे। वैसे भाई इसकी जब स्पीड ही एक्यूरेट आ रही है तो भाई नो डाउट इसका मैप भी सही रहेगा, और क्योंकि भाई इसमें GPS इंस्टॉल्ड है तो अगर भाई कम से बेकार क्वालिटी का भी GPS होगा तो भी वो एक्यूरेसी देता ही है। अरे भाई वाह, ये तो बिल्कुल सही दे रहा है ना, तो भाई यहाँ पे ना स्पीड भी साथ के साथ शो कर रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे डॉट बना हुआ है जहाँ पे 26 मिनट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 14, 15, 16 ऐसे करके स्पीड आ रही है। अभी मैं गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करने वाला हूँ। अभी ना भाई इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि अभी मुझे कॉल आया था घर से मम्मा का और मैंने इसी सिस्टम के थ्रू जो है अटेंड किया है, और इसकी क्वालिटी ना भाई A1 क्वालिटी आ रही है। तो भाई गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम अभी तक फिलहाल ये ठीक है, तो लॉन्ग टाइम रिव्यू के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्स देता है ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में हमने क्या किया भाई, म्यूजिक सिस्टम ही आपको दिखाया है और जो गाड़ी का रिव्यू है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं इसी वीडियो में रिव्यू भी बता दूंगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल। सब्सक्राइब रैम्पलिंग बाउंड्री, लाइक एंड शेयर, थैंक यू गाइस। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्पलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।